Hakimo. 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 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੁੱਟੀ ਫਰਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੁੱਟੀ ਫਰਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੈਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੈਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੈਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਮਿਨਿਮਮ ਬੈਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੁੱਟੀ ਫਰਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੁੱਟੀ ਫਰਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੁੱਟੀ ਫਰਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਟੁੱਟੀ ਫਰਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਲਾਜ਼ਮੋ ਕੇ ਕਰਦਾਰੋ ਕੋ ਜੁਤੇ ਮਾਰੋ ਸਾਰੋ ਕੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆ ਯੰਗ ਨਾ ਆਪੋ ਕੇ ਕਰਦਾਰੋ ਕੋ ਜੁਤੇ ਮਾਰੋ ਸਾਰੋ ਕੋ ਮਲਾਜ਼ਮੋ ਕੇ ਕਰਦਾਰੋ ਕੋ ਜੁਤੇ ਮਾਰੋ ਸਾਰੋ ਕੋ ਮਲਾਜ਼ਮੋ ਕੇ ਕਰਦਾਰੋ ਕੋ ਜੁਤੇ ਮਾਰੋ ਸਾਰੋ ਕੋ हमारा STP कंप्लीट होने वाले हैं, वो कंप्लीट होने वाला है, हम अब कनेक्शन देने वाले हैं। हमने लिखा ये सारा झूठ है, बिल्कुल नहीं है। आपने जून तक आप कह रहे थे कि आपको टाइम दिया गया था, पर मुझे लगता नहीं कि दिसंबर तक भी ये पाइपें सारी डाल पाएंगे। और ये कनेक्शन की तो बात कर रहे हैं, कनेक्शन बहुत दूर है, अभी STP के काम चल रहे हैं। ऐसा है कि हड़ताल का आज 22वां दिन है और ये जो अच्छे दिन हैं हम उनका शोक मना रहे हैं। जो अच्छे दिन बोला था अच्छे दिन आएंगे, उनका हम शोक बना रहे हैं। जहाँ पर ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे, काम करने के बाद पे नहीं मिलेगी, अच्छे दिन आए, 6-6 साल की तनख्वाह इन्होंने दबा के रखी, अच्छे दिन आए, पेंडिंग भेजी थी इन्होंने आज तक नहीं दी, अच्छे दिन आए हमारे लिए। इन्होंने कहा जो मिनिमम बेसिस एक्ट है उसको लागू करेंगे, अच्छे दिन आए। जितने भी अच्छे दिन इन्होंने हमें दिए उसका हम आज शोक मना रहे हैं। 22वां दिन हुआ, 22 दिन हुए हैं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नर साहब जो हैं, मीडिया वाला एक बोल रहा था कि देखिए ऐसा है हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना लूट गया है, पैसा नहीं है, ये सरकार कोई आएगी दूसरी। मैं पूछता हूँ ये कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है जहाँ पर ये गवर्नमेंट नहीं है? गवर्नर साहब किसको गवर्नमेंट बोलते हैं? जो गवर्नमेंट नहीं है, आप बोलते हो पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, वो किसके लिए रखा है, किस काम के लिए रखा है? अब अभी भी आपको शर्म नहीं आई? लोग पानी के लिए तराई तराई कर रहे हैं, लोग तड़फ रहे हैं, मुलाजिम पहले ही कितनी देर से आपका अफसोस कर रहा है। जब से आप जहाँ पर आए हैं, हम पिछले 20 सालों से रोड पर हैं, पहले भी गवर्नर आते थे, लेकिन गवर्नर साहब आप जैसा कोई नहीं देखा, जो कि गरीबों की बात, छोटे मुलाजमों की बात सुनकर रहा ही नहीं। अभी कहते हैं कि इंडिया पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं तो कहता हूं भगवान इन सबों का, बीजेपी वालों का, सबों का बेड़ा गर्क करेगा, जो हालात इन्होंने जहां पर पैदा की है। और रोज़ इनको शर्म नहीं आती, हमने इनका घिराव किया, MP का घिराव किया, रविंदर रैना का घिराव किया, जितेंद्र सिंह की घर का उधर घिराव किया, इनको शर्म है ही नहीं। मैं कहता हूँ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जब भी बाहर निकलो लाठियाँ, याद रखना बीजेपी वालों, आपको पता नहीं भगवान की लाठी की आवाज़ नहीं होती, और आने वाले इलेक्शन को आपको वो लाठी पड़ेगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी, लेकिन आप सब अपने घरों में आराम से चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं देते आप पे? 6-6, 7-7 साल की पे है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों, जी आपके टाइम की है, शर्म करो, डूब मरो चूल्हे से पानी में। इन्होंने वो नहीं दी, SRO 520 बनाया, वो लागू नहीं किया, शर्म करो। उसके बाद मिनिमम बेसिस एक्ट जो कि हमारा कानूनी तौर पर बनता है, अगर ड्यूटी बनी 3 साल में क्या मिला जम्मू वालों को? शराब की दुकानें, टैक्सों पर टैक्स, चोरियां, क्राइम बढ़ा, चिट्टा सफ़ेद सब कुछ बढ़ा, ये मिला हमें ड्यूटी बनने के बाद। कोई भले वाली बात इन्होंने कोई नहीं की, ना हमको इनसे कुछ मिला। और मैं एक बात कह दूं कि ये मत सोचें कि अभी भी टाइम है, अगर आप लोगों का काम करते हो सकता है आप भी कहीं असेंबली में थोड़े बहुत बच जाओगे। मैं कह देता हूँ
लेकिन मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कासड़ हिजार डेली वेजर से मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि आज से आप लोग शुरू हो जाओ, इनके एंटी काम करना शुरू हो जाओ। जब भी इलेक्शन होती है इनको वोट की चोट दो, ये तभी समझने वाले हैं, वरना ये याद रखना एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे वो एक्सिम है, चाहे वो AW है जहाँ का, चाहे वो JEE है, मत कोई सोचेंगे हम लोकल हैं, हम 8 साल से इधर हैं। याद रखना जो आदमी लोगों को फोर्स करेगा, हमारी हड़ताल को सबटाइज करने की कोशिश करेगा, वो बोलेगा जबरदस्ती मैं जे करूं, मैं आपसे तिल गाऊंगा, मैं वो करूंगा, किसी के बाप का राज नहीं है, हमारी हड़ताल है, हम कंटिन्यू, जो जबरदस्ती काम लेगा उसके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, जहां उसका घिराव करेंगे, जे भूल जाए हमारी हड़ताल में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। मेहरबानी करके जो हमारे मसले हैं गवर्नर साहब उनको हल करो, और आप 11 नवंबर 2020 का जो एग्रीमेंट आपने PH एम्प्लॉय यूनाइटेड के फ्रंट किया है उसको पूरा करो, उसी वक्त काल हाफ हो जाएगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अगर इनको शर्म हो तो ये जल्दी से जल्दी हमारे मसले हल करें, और ताकि लोगों को पानी मिले, और ये लोग भी अपने आराम से ड्यूटी करें। जो लोग हमारे हक में बोले हैं मैं कहूँगा, अगर विक्रम सलाथिया जी बोले हैं या बलवंत सिंह जी मनगोटिया जी बोले हैं तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और लोगों से अपील करता हूँ अगर पानी नहीं मिल रहा आप लोग भी अपने गली बाजारों में निकलो और इस गवर्नमेंट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाओ, ताकि इनको भी पता चले। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, धन्यवाद, शुक्रिया।